सब कुछ काम करके नहा के यहाँ पर पूजा कर दिया। अभी 9:30 ऐसे हुआ है टाइम, और ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में उपमा और आलू दम। आर्यन खा के कंप्यूटर ट्यूशन गया है, और अभी मुझे करना है ब्रेकफास्ट। किचन में आ गई हूँ। संडे है तो लंच में आज तो नॉनवेज रहेगा, और नॉनवेज में चिकन होगा। और एक्चुअली श्वेता आ रही है आज घर में, बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे 3-4 दिन। और श्वेता वेज खाना खाती है, तो सोच रही हूँ कि श्वेता जब आएगी उस टाइम मैं दाल फ्राई और राइस बना दूंगी उसके लिए गरम गरम। और हम आज खाएंगे चिकन करी और राइस। सब तरीके से मतलब चिकन में जो जो मसाला लगता है सब कुछ रहेगा, लेकिन कुकिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देंगे, मतलब अलग जैसे करेंगे। सोच रही हूँ क्या होगा, पता नहीं। अलग तो कहती हूँ लेकिन से फिर गार्लिक जिंजर पेस्ट, ऑनियन, टमाटर पेस्ट, ये सब तो चिकन में जाता है, सबको पता है। तो चलिए फटाफट से कुक करते हैं। आर्यन और उसका पापा गए हैं बाल कटिंग करने के लिए सैलून, तो चलिए फटाफट से कुक कर लेते हैं। बाहर चल रहा बारिश, तो पहले पपीता और आलू को नमक से फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद मसाला चिकन के लिए तैयार करेंगे। तो पपीता और आलू अच्छा से फ्राई हो गया है, इसको निकल के इसी ऑयल में और भी थोड़ा सा सरसों की ऑयल डालेंगे। और आप चाहे तो सरसों की ऑयल भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर व्हाइट ऑयल से भी बना सकते हैं, जो मर्जी आपको। ऑयल गर्म हो गया है, 1 चम्मच चीनी डालेंगे कलर के लिए। तो चीनी जब इस तरह देखिए गुप गुप करेगा ऑयल के अंदर, उसके बाद बारीक काटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। इसको अच्छा से ब्राउन ब्राउन करके भूनना है। प्याज ब्राउन हो गया है, अभी मुझे डालना है इसमें 2-2.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको मैं प्याज के साथ मिक्स करूंगी। अभी इस बाटी में है 2 टमाटर और 2 इलायची कार्डमम एक साथ पेस्ट बना लिया, अभी इसको भी डालना है मुझे इस मसाले के साथ, और अच्छा से भूनना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के।
यहाँ पर मैंने एक बाटी में पानी ले लिया, पानी के साथ हल्दी पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच मतलब ये बहुत छोटा चम्मच है इसीलिए 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और अभी देना है मुझे रेड चिली पाउडर 2 चम्मच। अब जितना मिर्ची खा सकते हैं उस तरह ही दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया हूँ क्योंकि आर्यन को मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मसाला थोड़ा सा भुनने के बाद और भी थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसके बाद मुझे मसाला पानी डालना है। जिंजर टमाटर ऑनियन सब कुछ अच्छे से भुनना हो गया। अभी मुझे डालना है यहाँ पर रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पानी। और इसको आप 7 से 8 मिनट तक इस तरह पकाना। मसाला रेडी है, बन गया है। अभी मुझे डालना है चिकन। तो चिकन डाल दिया। तो अभी मुझे देना है नमक। चिकन अच्छे से भुनना हो गया, मतलब और भी थोड़ा सा पकेगा। और इसके साथ अभी डालूंगी पपीता और आलू फ्राई। तो लंच के लिए चिकन रेडी, कलर बहुत अच्छा से आ गया। और यहाँ पर चिकन और राइस के साथ थोड़ा सा सैलाड खाएंगे। तो सैलाड में डालना है मुझे ब्लैक पेपर। ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला पाउडर। ऑलमोस्ट डन, तो अभी हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद में मिलते हैं। तो बाप बेटा दोनों का नाना हो गया और लंच कर लेंगे।
तो लंच करने के बाद बहुत टाइम सो गई थी, अभी टाइम हुआ है 5:20। बाहर मैं घूम रही हूँ श्वेता को लेने के लिए, उसका पापा गए हैं स्टेशन, तो बाहर थोड़ा सा घूमेंगे और इधर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मसाला निकल के रखी थी, तो ये मसाला से दाल फ्राई बना दूंगी और राइस। वेज खाना खाती है, दाल फ्राई राइस बहुत अच्छा है। फटाफट से बना देती हूँ क्योंकि भूख लग गया। श्वेता का खाना हो गया और हम तीनों जा रहे हैं अभी थोड़ा सा बाहर घूमने। बाहर मतलब फैक्ट्री, जिस तरफ फैक्ट्री है ना वहाँ पर थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो हाँ हाँ थोड़ा सा घूमेंगे उसके बाद। तो हम घूम के घर में आ गए हैं। आने के बाद डायरेक्टली मैं किचन में आ गई हूँ, ड्रेस चेंज नहीं की हूँ, तो राइस चढ़ा दिया हूँ। आज रात को रोटी नहीं राइस खाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा स्पेशल डिनर हो जाएगा मेरा बहन के वजह से। तो यहाँ पर बहन ने बहुत सारे खाना भेजी है। मेरे पापा जी के घर में कोई गेस्ट आए थे, बहुत सारे खाना वगैरह हुआ था, हम लोग को भी बुलाए थे, लेकिन मेरा तबीयत आज थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था तो मैंने आज नहीं गई हूँ। तो इसीलिए मेरा बहन हम तीनों के लिए भेज दिया बहुत सारे खाना, नॉनवेज खाना। श्वेता तो वेज खाती है, नॉनवेज कुछ भी नहीं खाती है। श्वेता को और डिनर भी नहीं करना है, ऐसी चला के सो गई है आने के बाद। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे खाना, बहुत अच्छा अच्छा खाना, स्पेशल डिनर हो जाएगा। आर्यन का तो लग गया आज। चलिए एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या खाना आया है। प्रॉन मलाई करी, ये कातला फिश, तिल छाल हम कहते हैं बंगाली में, दाल, फिश करी
और ये एक मिक्स वेज सब्जी, बहुत कुछ यहाँ पर राइस हो जाएगा। उसके बाद हम डिनर करेंगे, हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद हम डिनर करेंगे। राइस बन जाए, मेरा हस्बैंड आ जाए, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। टाइम है अभी, बहुत टाइम है डिनर करने के लिए, आर्यन पढ़ने के लिए बैठा है। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग अभी एंड करते हैं, एंड करने के लिए टाइम आ गया और बहुत बड़ा सा वीडियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्यार बांटिए, बड़े को रेस्पेक्ट दीजिए, जो भी काम कीजिए अच्छा काम कीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।